वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम 3 डिफरेंट फ्लेवर के झटपट खतरनाक से टाकीज बनाते हैं, क्रिस्पी स्नैक, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। ये ऐसे झटपट बनने वाले कुरकुरे से स्नैक है। इसके लिए समोसे की पट्टी चाहिए। याद है हमने समोसे की पट्टी बनाई थी? और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। और ये मेरी रेडीमेड है। अगर रेडीमेड से बनाना है तब भी इजी है, और अगर घर में बनाना है तब भी बहुत इजी है। तो ये एक शीट जो है लेंगे, फिर शीट के एक किनारे पे हम ज़रा सी ये लई लगा देंगे आटे की, जो उमूमन समोसे रैप करने के लिए बनाते हैं ना, ऑलमोस्ट डबल पानी होता है और सिंगल जो है वो आटा होता है। और इसको वेरी थिनली रोल करेंगे इस तरह से। और अब लास्ट में भी स्लरी लगा देंगे आटे की। इतनी भी कर सकते हैं, इससे टाइट रोल भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप करें। और अब इसको बंद कर देंगे। तो ये हो गई, सेम इसी तरह से सारी कर लेंगे। और ये स्नैक ऐसा है कि आप बना लेंगे, जार भर के रख लें, वैरायटी ऑफ फ्लेवर भी बना सकते हैं, और फिर कंटेनर भर के रख दें और जब दिल चाहे चाय के साथ खाएं, किसी को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को भी बड़ा पसंद आते हैं, लंच बॉक्स में दे दें, मौसम अच्छा हो क्रक क्रक करके चाय के साथ खाएं क्योंकि कुरकुरे होते हैं ना, मज़ा आएगा। तो ये देखिए हमारा लास्ट रह गया है, और ये साइड का पोर्शन हार्ड हो गया है क्योंकि ज़ाहिर खुले हुए में ही कर रहे हैं ना, कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, तब वो भी यूज़ कर लेंगे, ज़रा भी ऐसा नहीं। और अगर दिल चाहे तो यूँ हल्का हल्का डॉट लगा दें कि रोल करने में इससे मज़ीद आसानी होगी। यहाँ देखें तेल मैंने बिल्कुल लो पर रख दिया है, और कितना गर्म है मैं आपको बताती हूँ। ये डालेंगे तो बहुत हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं, वो भी बहुत देर रखने के बाद, फौरन नहीं चाहिए ताकि क्रिस्पी और अच्छा सा हो ना। तो 3 फ्लेवर बनाएंगे, तो अब जितना आपके फ्राई पैन में गुंजाइश हो उतना आप लें, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ कि 3 फ्लेवर बना रही हूँ तो 3 बैचेस में फ्राई करूँगी। और अब इसे डाल देंगे पैन में, ख्याल से डालें। और इसे हम फ्राई करेंगे अराउंड 3 मिनट के आसपास। इसीलिए तेल बहुत गर्म नहीं रखना है, इससे क्या होगा कि क्रिस्पी ज़्यादा होगा। अगर गर्म ज़्यादा हुआ डालेंगे कलर फौरन आ जाएगा, निकालना पड़ेगा। मोर स्लो मोर बेटर और मोर क्रिस्पियर होगा। तो शुरू में तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, सेटल्ड होने दें, आप भी मज़े करें उसे भी करने दें। उसके बाद फ्लोट हो गए सारे, हल्का सा कलर आना शुरू होगा जब चम्मच चलाएंगे, जब तक रहने देंगे। देखिए अराउंड 2 मिनट हो गए, अब इसे हम चलाते हैं चम्मच से। देखिए हल्का हल्का कलर आ गया, ये बच्चों को भी इतने अच्छे लगते हैं। फिर अलग अलग फ्लेवर के जब होते हैं ना तो हर शख्स खुश हो जाता है, सबकी पसंद का इसमें मिल जाता है। 4 मिनट के आसपास हो गए हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। तो चले अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि इसे हम चटपटा कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ हमारे पास है 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, तेज़ नहीं होती, कलर अच्छा होता है, हल्की सी तेज़ी होगी, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर यानी खटाई पाउडर और 1/4 टीस्पून जो है काला नमक। तो अब इसको निकालते हैं हम एक बोल में। देखा आवाज़ सुना कैसा क्रिस्पी करा रहा है। और अब ये मसाले को हम मिक्स करेंगे और डाल देंगे इसमें। ये हैप्पी हैप्पी। और अब इसको हिला लेंगे। स्विच कर देंगे, यहाँ ये रख देंगे और एम्प्टी बोल यहाँ रख देंगे। और ऑयल जो है इतनी देर तक और भी गर्म हो रहा था, अब ये ड्राई टाइम है, हम दूसरा बैच डालते हैं फॉर दूसरा फ्लेवर। और लास्ट वाला जो है वो मेरा फेवरेट है, उसका कट भी अलग है, उसका फ्लेवर कम्प्लीटली अलग है और वेरी एक्साइटिंग है। अब इसको थोड़ा थोड़ा कम कम लेंगे और इसको डायगनली काटेंगे और थोड़े छोटे छोटे पीसेस करेंगे इस तरह से। छुरी जो है देखिए मैंने क्रॉस में रखी है, इससे बड़ा खूबसूरत भी लगेगा और इसकी सारी लेयर्स जो है वो मज़े की लगेगी। अब वो जो हमने फ्राई किया था अराउंड 4.5 मिनट के आसपास किया था, इसको थोड़ा और भी फ्राई करेंगे। इससे क्या होता है कि मोर क्रिस्पियर होता है। अब आपकी पसंद है कि आपको लेस क्रिस्पी पसंद है कि मोर क्रिस्पी पसंद है। हम अलग अलग वैरायटी बनाएंगे, अलग अलग तरह से बनाएंगे। तो इसका एक शेड डार्कर रखेंगे और 1-2 मिनट और फ्राई करेंगे। तो इसको फ्राई होते हुए अराउंड 6.5 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो ये देखें बादामी हो गया कलर, गोल्डन गोल्डन। तो बस अब इसको निकालते हैं। और अब इसमें टॉपिंग डालेंगे हम। यह हमारे पास है 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंगो पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून टार्टरिक। चूँकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है इसलिए नमक थोड़ा ख्याल से डालेंगे। तो इसको मिक्स कर लेंगे। आप अपनी तरफ से भी कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आपको क्या पसंद है वो भी डाल सकते हैं, वैरायटी और भी बन जाएगी। मिला लेंगे। तो अब ये तेल जो है हमारा गरम है, इसमें हम ये बेबीज डाल देंगे। बेबीज को फ्राई करने में 3-3.5 मिनट के आसपास लगेंगे, लेकिन चूल्हा हमने लगातार बिल्कुल स्लो ही रखा है, सिर्फ ये कि एक ब्रेक देते हैं ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। देखिए कलर बड़ा खूबसूरत सा बादामी हो गया है और अराउंड हमने 4 मिनट से ऊपर लगाए हैं, धीमे धीमे फ्राई किए हैं। इसको निकालते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। अब हमने कुछ खट्टा किया है, कुछ तीखा किया है, तो अब मीठा भी होना चाहिए ना। तो मीठे के लिए ऐसा है कि यहाँ मेरे पास 4 टेबलस्पून शक्कर है और 1 टीस्पून कोको पाउडर है। इसको मिला लेंगे और अब इसको डाल देंगे। अगर आपको कोको पाउडर ना डालना हो, सपोज चॉकलेट लवर्स ना हो, सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। अदरवाइज खाली शक्कर डाल दें वो भी अच्छा लगेगा। और ये पाउडर नहीं है, रेगुलर है। और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से नहीं मिलाएंगे, इससे क्या होगा कहीं कहीं चॉकलेट ज़्यादा होगा, कहीं शक्कर ज़्यादा चली गई होगी। ये मिक्स एंड मैच बड़े मज़े के लगते हैं। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। और ये मसाला भी डाल देंगे और अब चटपटा एकदम। एक मरतबा जब आप ये खाएंगे ना तो पागल शागल हो जाएंगे।
और मज़े की बात ये कि जार भर कर रख लें और टीम वर्क के साथ बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकेंगे। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा फेवरेट तो देखा, एक तरीके से हमने एक चीज बनाई और तीन डिफरेंट रिजल्ट आए। किसी को चटखारेदार चटपटा खाना हो तो ये खाए, नॉर्मल खाना है तो ये खाए, और मीठा खाना हो तो ये खाए, और सब खाने के बाद मीठा खाना हो तब भी ये खाए। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और ये देखें रोल रोल रोल, तो लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स, लग रहा है कितनी मेहनत करके हमने बनाया। ऐसा नहीं कि टीवी देखते देखते बातें करते करते रोल करते गए। और अब ये चटाखेदार, इसमें चिकन का फ्लेवर है तो बिल्कुल हटके लग रहा है और ख़तरनाक क्रिस्पी है। और ये बेबीज, ये आप लोग के लिए। थ्रू आउट क्रिस्पी, करारा, मीठा मीठा, जितना सिंपल है इतना ही मज़ेदार है और यूनिक है। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें, मज़े करवाएँ। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।